नमस्कार दोस्तों, आज 5 मई 2022। दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी गाड़ियां हैं प्याज की जान लेंगे, जो स्पेशल भाई साहब प्याज के बेचने वाले आज की क्या कुछ पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज की कितनी गाड़ी जी मंडी में, कितनी बैलेंस मंडी में? आज 30 गाड़ी ताज़ी आई हैं। हाँ जी, 20 के करीब बैलेंस है। हाँ जी, और करीबन 40 गाड़ी नीचे हैं जो पहले 90 गाड़ी हो गई हैं। हाँ जी, जो फड़ पे उतरी हुई हैं। अच्छा जी, 90 गाड़ी हुई हैं, एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद ही ये आमदनी जो है ये 100 के नीचे हुई है। हाँ जी, नीचे से पहले ऊपर ही चल रही थी। ऊपर ही चल रही थी। हाँ जी। अच्छा जी, आज मंडी में थोड़ा सा माल कम हुआ है? थोड़ा सा माल कम हुआ है। हाँ जी, और बिक्री ठीक हो रही है। हाँ जी, और अब लगता है कि भाई अब भाव जो है, भाव वैसे ही है 400 से 500 रुपये हैं, और वो जो अच्छे माल जो है वो 500 से 550 रुपये हैं। हाँ जी, प्याज के अंदर ज़्यादातर MP आ रहा है। हाँ, राजस्थान भी आ रहा है, ये कुछ नासिक है। अपने पास हाँ जी, ये सारे MP आए हुए हैं जी। अच्छा जी, इनका क्या बाजार चला जी आज का जी MP का? MP के अंदर जी 450 से लेके 500 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। ये मोटा माल आप देख रहे हो, ये 450 से 500 रुपए मण जी। हाँ जी, हाँ जी, और मोटे माल जो है वो 521 531, जैसे ये नासिक है ये 531 जा रहा है। अच्छा जी, 531 रुपए मण जी। हाँ जी। अच्छा जी, और फिर रोज के बाजार में तो लगातार वही सेम ही बाजार चलता रहा जी? सेम बाजार चल रहा जी। अच्छा जी। हाँ। जैसे आज माल कम, माल की आवक कम हुई तो कुछ बाजार में उठना चाहिए था, थोड़ा बहुत उठना चाहिए था, लेकिन ऐसे एक दिन में इतना बदलाव नहीं आता है। हाँ, मान लीजिए अगर कल और गाड़ियां आ गई, मान लीजिए आमदनी बढ़ गई। हाँ जी, तो ये बाजार वहीं के वहीं रहेंगे। अगर 2-3 दिन तक ऐसा रहे कि भाई आमदनी कम हो, हाँ जी, तो बाजार में थोड़ा फर्क आता। अच्छा, यानी आज माल आने की वजह रेट तो नहीं उठा, पर मार्केट में उठाव है? हाँ, मार्केट ठीक है। अच्छा जी, तो सिर्फ मध्य पर अपना महाराष्ट्र तो बिल्कुल ही कम हो लिया जी अब मंडी में? नहीं नहीं, ठीक ठीक है, पढ़ते नहीं लग रहे हैं, वहाँ पे मार्केट टाइट है ज़्यादा। हाँ जी, वहाँ पे 10-11 रुपए का माल है और 4 रुपए 4.5-5 रुपए तक के भाड़े हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे फिर अगर बहुत ही सुपर माल हो तो यहाँ पे 600 रुपए के अंदर तो बिक नहीं रहा। हाँ जी, हाँ जी, तो इसीलिए पढ़ते नहीं लग रहे हैं, जिस समय पढ़ते लगेंगे माल आ जाएंगे। अच्छा, और वहाँ पे स्टॉकिंग के लिए भी माल काफ़ी उठाया जा रहा है, एक्सपोर्ट के लिए भी जा रहा है। हाँ जी, और मेथड भी तो उठा रहा जी माल अभी वहाँ से? हाँ जी, वो चल ही रहा है वो वाला प्रोसेस। हाँ जी, हाँ जी, तो स्टॉक तो कोई भी कर सकता है जी? स्टॉक में तो अब सरकार ने खुली छूट दे रखी स्टॉक। हाँ में जी, तो स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक तो कोई भी कर सकता है। हाँ जी, जब तक कि प्राइस एक महीने में डबल ना हो जाए तब तक स्टॉकिंग रोकी नहीं जाती, स्टॉकिंग कर सकते, स्टॉक कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी शुरुआत नहीं हुआ जी स्टॉक का? हाँ जी, वो चल रही है स्टॉकिंग, वहाँ भी चल गई जी, वहाँ पर चल रही है, वहाँ भी कर। चलो बहुत बढ़िया जी, फिर तो देखने में आएगा जी थोड़ा बहुत, 1-2 रुपए का 4 रुपए का फर्क होना चाहिए जी। हो सकता है जून के एंड तक सोचिए, अभी तो नहीं। अच्छा जी, मई तो ऐसे ही चलेगा ये, तो फिर लंबा खींच जाएगा जी मई में तो? हाँ जी, हाँ जी, अभी तो नहीं लग रहा। अच्छा जी, इतने में तो अपना लोकल भी चलने वाला जी, हरियाणा पंजाब चल गया जी, चलने वाला क्या जी? वो चल ही रहा है अभी, ऑलरेडी चल रहा है। हाँ जी, पंजाब मंडी में काफ़ी लोकल आ रहा है, हरियाणा मंडीज में आ रहा है। हाँ जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, पर वो माल छोटे होते हैं, जैसे हमारा अलवर आता था। हाँ जी, तो वो 9-10 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं आज का। और राजस्थान का क्या बाजार है जी? वही 7 से 10 रुपए ही है। 7 से 10 रुपए। हाँ जी, ठीक, धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर जी? दुकान गुजरात यूनियन कंपनी है, 333 है। हाँ, मेरा नाम परीक्षित सानी। हाँ जी, कॉन्टैक्ट नंबर 9810152315, 98-101-52-315। धन्यवाद भाई साहब जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।